गोरखनाथ मंदिर व राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित 9 दिनों तक चलने वाली राम कथा के 3रे दिन मंगल भवन अमंगल हारी परम सिद्ध शिवावतार परम योगी बाबा गोरखनाथ का स्मरण करते हुए मुरारी बापू ने कहा, मानव स्वयं योगी ही नहीं, योगी राज है, योगेंद्र है तथा परम तत्व राम है, ना सकल संपदा है अर्थात ना सकल एवं शुद्ध और परिपूर्ण विचार है। साधारण शब्दों में जो हम सब जैसे अनाथों पर कृपा करके हम सब को सनात बना दे वही नाथ है और वही योगी है। कथा को विस्तार देते हुए बापू ने कहा, हमारे जीवन में सब कुछ चला जाए पर योगी ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया, सुंदर कांड हृदय है, लंका कांड मस्तक है और उत्तर कांड माँ जानकी की दी हुई प्रज्ञा है। घट से मानस न जाए क्योंकि ये धड़कता हुआ हृदय है, अगर हृदय का धड़कना बंद हुआ तो मानवता का अंत हो जाता है। बापू ने कहा, मानस में कुछ भी अशुद्ध है ही नहीं, सब कुछ शुभ ही शुभ है। यदि मानस में राक्षस का वर्णन मिले तो वह भी शुद्ध है क्योंकि राक्षस के रा का अर्थ राम है तथा सा का अर्थ सीता से है। लेकिन कितना विश्वास, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हाँ, पर मंत्र के बारे में गोस्वामी ने लिखा है, मंत्र उसके दुर्गुणों को एक और रखो, इससे पहले 6 किरण ले लो, मोतिया भी उतार लेंस लगा लो, जो जो रावण विश्वास हो। चलो ये तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए, ये मेरी शौहरत नहीं, ये मेरी शोहरत थी या मेरी रुसवाई थी। मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने नहीं आए, मूल तत्व पहुंचे इससे पहले तो अफवाहें पहुंच गई। ये मेरी शोहरत है कि मेरी रुसवाइयां, शायर कहता है, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। पार्सा जयपुरी की जैसी ही उसी मीटर में ये गजल है, पार्सा जयपुरी की तो है पर ये एक खातिर कौन नाम है उसके, गजनवी है वो, खातिर गजनवी साहब, गो जरा सी बात छोड़ा नथी छूटी गया फागम ते ससनंद एक राठो कुबंद राते रोवा रावता हाय वाह।
अब देखो लेने की इच्छा में होने तो क्या होता है, देखो ये चमत्कार देखो, वहां वस्तु बिलक, बनाने वाला बिलक, ये दर्शन हमारा नहीं है, स्वयं ब्रह्म ब्रह्म लटका करे नाच ही निज प्रतिबिंब बन रहा है, ईश्वर ही जगत बना है यहां पे, इसलिए जगत की उपेक्षा मत करना। गोरखनाथ जी कहते हैं हसीबा खेलबा धरीबा ज्ञानम, गोरखनाथ जी कहते हंसते रहो खेलते रहो ज्ञान प्राप्त करते रहो, पर वहां तो कहते हैं गीत गाते रहो, इसलिए मैं गीत गाता हूं, गोरख की वाणी सुनो प्यारो, आपके सामने आप बबूला हो जाए तो तुम पानी हो जाओ, लेकिन बहस मत करो। हाँ बाबा यूं है गोरख के हसी बात खेली बात, युवान भाई बहन हंसो खेलो मस्त रहो, काम करो छूटे ना छूटे उसकी चिंता ना करो, लेकिन समझ में आ जाए देर बदेर कि अत्यंत कामी है अत्यंत क्रोधी है तो उसके से डिस्टेंस बना लो, गोरखनाथ कहते हैं। उसको हम त्याग दे, हम कौन त्यागने वाला, परमानंद ने बहुत चाबी भी है, संग्रह और त्याग बिना पहचान कभी मत करना, संग्रह त्याग ना गोरख ने अद्भुत नाम है, गोरख बहुत निकट पड़ते व्यासपीठ पर उसका वरदान नवनाथ में है, मत्स्येंद्रनाथ जी तो आपके गुरु हैं साहब, लेकिन कामरूप देशों को लीला करने के लिए गए थे, और कौलाचार उसका कौलाचार था, ये कथा भी मैं सुनाऊंगा बैलेंस कर। कुंडी ने रावण को अवतार, मैं फिर एक बार क्लियर करूं कि यहाँ रावण के दोषों का मंडन करने का कोई उपक्रम नहीं, दोष रावण में है वो है, ये आचरण ही नहीं है विचार नहीं है आचरणी नहीं, दोष दोष न होते तो उसकी धर्म पत्नी जिसको हम सतियों में गणना करते हैं वो तो मंदोदरी ने प्राण त्यागते समय रावण को देखते हुए प्राण त्याग कर रहा पति कहा आ जन्म के पर द्रोह, आपका पूरा जन्म पर द्रोह में गया ये कहा, लेकिन फिर भी तुम हूं उदियो विजदान, ये ब्रह्म को मैं प्रणाम कर रही हूं, आपसे निवेदन राक्षस ताल वाला निवेदन करना, रावण में विश्वास करो, क्योंकि वो विश्वास का उपासक भवानी शंकर स्वयं विश्वास नाथ करने लगा।